हम लोगों ने ये तय किया कि हम सबसे संपर्क करके और सबसे निवेदन करेंगे कि माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वही देश के प्रधानमंत्री फिर से बनने जा रहे हैं, तो हम लोग भी मेहनत इसीलिए करेंगे कि हमारा आजमगढ़ भी सरकार के साथ रहे। डेढ़ साल सरकार के साथ हम आजमगढ़ को जब रखे हैं तो हमने देखा है कि कितना तेजी से आजमगढ़ में काम हुआ है, और ये काम रुकने ना पाए इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हमारे सभी कार्यकर्ता इसके लिए एकदम मोदी बन के लड़ रहे हैं। सर, आपने डेढ़ साल में जो विकास किया है वही सपा के कुछ लोग हैं वो नेमप्लेट बना करके लोगों में बांट रहे हैं कि मैं ये सपा का कार्य है, तो किस तरह से लोगों को कहना चाहेंगे? उनसे हमारा कार्यकर्ता सब जानते हैं और उनसे सवाल कर लेते हैं कि आज लिखा है न बना लेला। एक ही सवाल हमारा कार्यकर्ता बोलता है, जब भी कोई सपा का आदमी बोलता है कि ये हमने बनाया है तो हमारा कार्यकर्ता या हमारे आजमगढ़ का आम जनता भी पूछ लेती है कि आज लिखा है न बना लेला। अपने गांव का सड़क बनाई ना पाओ तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बने भी बात हूँ। सर, जहाँ पूजा पाठ का लोग विरोध करते थे आज पूजा मंदिरों में जाकर लोग पूजा कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो करना ही पड़ेगा और हम लोग चाहते हैं कि वो करें, करना चाहिए, क्योंकि ये जो आस्था है आस्था पे किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। राजनीति अलग चीज़ है, आस्था अलग चीज़ है, तो आप अपनी आस्था से तो कभी समझौता मत करिए कि कोई एक दल का नेता चाहता है कि आप राम को गाली दे तो आप राम को गाली देने लगे, कोई दल का नेता चाहता है कि आप रामायण के विषय में बुरा बोले तो आप बोलने लगे, ऐसा मत करिए। आप वोट के समय जो अच्छा लगे उसको वोट करिए, वो अलग विषय है, लेकिन आपकी जो आस्था है उससे समझौता नहीं करना चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं क्या कहेंगे, किस तरह से अपना? मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से, देवतुल्य कार्यकर्ताओं से यही कहता हूँ कि मैं तो मोदी बन के लड़ रहा हूँ, मेरा एक एक कार्यकर्ता मोदी बन के लड़ रहा है और हम जनता के बीच मोदी बन के ही जाते हैं और बताते हैं कि एक एक पल हम लोग खपाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले आपकी सेवा में, आपके लिए। ये जो हम लोगों से लड़ने आए हैं ये लोग तीन दिन आ नेता हैं, ये मैं बहुत पहले गाना गाया था, अब तो चुनाव फिर आ गया नेताजी बन के बहुरूपिया दिखाए गया नेताजी। ये बहुरूपिये हैं, ये चुनाव खत्म होते ही इनका कार्यालय बंद हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हारे चाहे जीते यहाँ रह के काम करता है, धरातल पे काम करता है, सेवा करता है, और वो हम करते रहेंगे, ये जनता को भी पता है। जिस तरह से भाजपा का लोगों में जुड़ाव बढ़ रहा है और जनाधार बढ़ रहा है उससे उनको घबराना ही चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धरातल पे काम करती है और हम लोग धरातल पे काम करने वाले लोग हैं, पूरे साल काम करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि खाली चुनाव आएगा तब हम जनता के बीच जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को याद होगा 19 में मैं चुनाव हारा था, उसके बाद भी मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते एक एक कार्यक्रम में गांव-गांव घूम करके किसका घर नहीं बना लिस्ट बनवाना है, किसका शौचालय नहीं बना, जो भी पार्टी ने कार्य दिया वो हम लोग करते हैं। बाकी ये लोग तो बस चुनाव में आए हैं, फिर चुनाव के 19 में जीत के भागे थे, 22 में हार के भाग गए थे, अभी चुनाव के बाद फिर भाग जाएंगे। सर, समाजवादी पार्टी जीत का दावा कर रही है, इस पे आप क्या कहना? अब देखिए, सपना देखने का तो हक सबको है, उनको देखने दीजिए, पर इस बार उनका सपना इसलिए नहीं पूरा होगा कि अब तो जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं तो जनता कहने लगी है, कोई नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, जनता कह रही है कि भाई पांच यादव लड़ा रहे हो, पांचों तुम्हारे घर में ही पैदा हुआ है, पूरे प्रदेश में तुम्हारा एक यादव तुमको नहीं मिलता है जो इस योग्य है कि उसको तुम प्रत्याशी बनाओ, वो सदन में जाए, अपने क्षेत्र की जो भी समस्या है उसको रखे। तो जनता कह रही है कि ये लोग हारेगा नहीं तब तक ये लोग को देश में कोई यादव दिखेगा नहीं, अब तो ये बात यादव लोग भी कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये परिवारवादी पार्टी है, सिर्फ नाम रखा है समाजवादी पार्टी। ठीक ठीक ठीक